हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैक Q10 प्लस के बारे में और जानेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में, डेली डोज, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जानेंगे कि ये मेडिकेशन किस तरह से लो स्पर्म काउंट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, साथ ही जानेंगे कि ये मेडिकेशन किस तरह से स्टेमिना बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है और कैसे यह स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन को एक साल तक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर। एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, की जहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ देख पाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें सेकेंड चैनल के जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं मैक Q10 प्लस के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप उसका ये लेबल देखो तो लिखा है कि एल आर्जिनिन उसके अंदर प्रेजेंट है, एल कार्निटिन करके है प्रेजेंट, यूबिक्विनॉल है, लाइकोपिन है, फॉलिक एसिड और नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो है वो ये 10 ग्राम जितने पाउडर के अंदर ऐड किया गया है, कि जिसके कारण उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विटामिन्स भी है, न्यूट्रिशंस की भी है, कि जो स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी और लो स्पर्म काउंट्स के इलाज में यूज़ की जाती है। तो पुरुषों के अंदर जो बांझपन का जो प्रॉब्लम होता है कि स्पेशली स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही कम होते हैं, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए स्पेशली ये मैक Q10 प्लस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसका जो 10 ग्राम जो पाउडर होता है उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप समझते हैं। तो उसके अंदर फॉलिक एसिड रहता है 400 माइक्रोग्राम जितना, यूबिक्विनॉल रहेगा 200 माइक्रोग्राम जितना, एल आर्जिनिन है 3000 मिलीग्राम जितना, लीवोकार्निटिन करके उसके अंदर प्रेजेंट है 500 मिलीग्राम, लाइकोपिन है 5 mg, पिंक पाइन बार्क यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है 75 मिलीग्राम जितना, फिर ट्रिब्यूलस टेरेस ट्रीज की जिसको हम घोक्सूरा कहते हैं कि वो भी 600 मिलीग्राम इसके अंदर प्रेजेंट है, और विधानिया सोमनीफेरा का जो एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो अब आप समझिए जो स्पर्म काउंट जो कम होता है उसके इलाज में ये जो मेडिकेशन दी जाती है। तो सबसे पहले आपको स्पर्म एनालिसिस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखो तो ये वाला जो नीचे का जो डायग्राम है वो दिखाता है कि स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही कम है। तो कम लो काउंट, स्पर्म काउंट लो कब होता है, कम कब होता है, तो वो तब कहा जाता है कि जब 15 मिलियन या फिर उससे कम हो तो स्पर्म काउंट्स लो है ऐसा कहा जाता है, और जब आप नॉर्मल स्पर्म काउंट चेक करो तो वो 15 मिलियन पर ml से जो है वो ज़्यादा होते हैं, कि 15 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा स्पर्म्स होते हैं 1 ml जितने सीमेन के अंदर, तो उसको नॉर्मल वैल्यू कही जाती है। फिर दूसरी बात आती है उसकी मोटिलिटी की, तो वो 40% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए 32% और मोर, कि जैसे जो प्रपोशन होता है स्पर्म स्विमिंग इन वन डायरेक्शन की, यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे मछलियाँ पानी के अंदर तैर रही, उसी तरह से जो स्पर्म्स जो स्विम करते हैं तो उसकी मोटिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसी के कारण ये जो मेडिकेशन है वो यूज़ की जाती है स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, कि जो ये स्पर्म का जो काउंट होता है वो इंक्रीज करने में जो है वो हेल्प करता है, साथों साथ उनकी जो ये मोटिलिटी है कि उनकी जो मूवमेंट है, ये स्विमिंग कैपेसिटी है और एक ही डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट करते हैं तो उसको एनहांस करने के लिए भी ये मेडिकेशन यूजफुल साबित होती है। स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है वो ये एनहांस करता है। फिर जो बॉडी के अंदर आपकी वीकनेस है, कि अगर आपका स्टेमिना कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, थकान हो जाती है, तो उसको ये इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस करता है, और साथों साथ जो स्ट्रेस लेवल जो होता है बॉडी का वो भी जो है वो
और रिड्यूस करता है। तो ये सब जो स्पेशल जो मेल इनफर्टिलिटी के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए स्पेशल ये मैक Q10 प्लस के जो ये पाउडर है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम होता है कि आपके जो स्पर्म्स है वो काउंट काफ़ी कम है, तो ये मेडिकेशन स्पर्म काउंट को बढ़ाने में साथों साथ जो आपका हेल्दीनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर जो कुछ स्टेमिना होना चाहिए, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। तो आप कैसे काम करता है वो आप समझिए। तो उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जैसे कि यूबिक्विनॉल। तो यहाँ पे आप जो ये यूबिक्विनॉल लिखा हुआ देख रहे हैं, तो यूबिक्विनॉल एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ सेल होते हैं वो कुछ प्रोसेसेस के कारण जो है वो डैमेज होते हैं, तो यूबिक्विनॉल जो प्रिवेंट करता है सेल डैमेज हमारी बॉडी के अंदर के, जिससे जो सेल का जो डैमेज है वो रिड्यूस हो जाता है और इससे स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज होता है। बिकॉज स्पर्म्स भी एक टाइप के सेल ही है और वो समझो कि डैमेज हो जाने के कारण उनकी क्वांटिटी कम हो जा रही है, उनकी मोटिलिटी कम हो रही है और उनकी संख्या भी कम हो रही है। तो यूबिक्विनॉल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है कि जो एज अ को एंजाइम Q10 इसके अंदर काम करता है। फिर दूसरा है एल आर्जिनिन, कि यहाँ पे आप देखो एल आर्जिनिन करके एक इंग्रेडिएंट है कि वो एक एमिनो एसिड है और ये एमिनो एसिड क्या करता है, ट्रीट करता है हार्ट डिसीजेस, कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ठीक करता है। फिर ब्लड फ्लो जो है वो ये मेडिकेशन इंक्रीज करवाता है और साथ में जो कोरोनरी आर्टरीज की और जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी एनहांस करना करवाने में एल आर्जिनिन हेल्प करता है, कि जिससे क्या होता है कि आपका जो है वो बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है, साथ साथ स्टेमिना भी मेंटेन रहता है और ब्लड फ्लो जो जब बॉडी के अंदर प्रॉपर होता है तो दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते हैं। फिर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है लाइकोपिन है, तो लाइकोपिन भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और प्रिवेंट करवाता है आपका सेल डैमेज। फिर एल कार्निटिन जो है उसके अंदर वो एक एमिनो एसिड है, तो ये एमिनो एसिड क्या करता है, बॉडी को एक हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखिए कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी जब तैयार होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या करेगी, आपका स्टेमिना बढ़ाएगी। तो एल कार्निटिन जो स्पेशली जो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एल कार्निटिन आपका स्टेमिना एनहांस करने में जो है वो स्पेशली हेल्प करता है, बिकॉज ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है बॉडी के अंदर। और साथों साथ ये एक इम्पोर्टेंट है एल कार्निटिन हार्ट ब्रेन और मसल्स की अच्छी मूवमेंट के लिए। आगे देखिए कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट जैसे कि फॉलिक एसिड है, तो फॉलिक एसिड B9 करके है और विटामिन, तो विटामिन B9 का जो काम है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हेल्दी न्यू सेल्स बनाने में वो हेल्प करता है, स्पेशली जो हमारे ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। और जो गोक्सुरा उसके अंदर प्रेजेंट है, तो गोक्सुरा का जो काम होता है कि आपका लिबिडो जो है वो ये बूस्ट करता है, स्पेशली कि बूस्ट योर लिबिडो और मेल इनफर्टिलिटी में भी वो हेल्प करता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो स्पेशली आप देखें तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बड़ा यूज़ किया गया है कि जो एक तो सेल जो है वो उनके फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाता है, तो उसी तरह से स्पर्म सेल भी इंक्रीज हो गए तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, साथ ही आपका जो लिबिडो है उसको इंक्रीज करवाता है, स्पर्म की मोटिलिटी हेल्प कराते हैं, साथ ही ये स्टेमिना बढ़ाता है। तो जब आप ये मेडिकेशंस लेते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। तो उसको लेने के आप डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे जो आपके पास ये सचेट है उसको जो आप कट करते हैं और स्पेशली उसके लिए आपको पानी लेना होता है 100 मिलीग्राम जितना 100 ml जितना पानी लेना पड़ता है आपको, 100 ml जितना पानी ले लीजिए और फिर ये जो पाउडर है आपको उसके अंदर ऐड करना होता है और फिर स्पून की मदद से उसको अच्छे से जो वो मिक्स कर दें और फिर तुरंत आपको इमीडिएटली पी लेना है। तुरंत ही जैसे ही आप इसके अंदर मिक्स करते हैं स्टर करने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद तुरंत जो है वो आपको लेना है, और कितने दिनों तक लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो आपके स्पर्म काउंट के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी आप स्पर्म काउंट का टेस्ट करवाते हैं और आपके जो डॉक्टर जिस तरह से सजेशंस देते हैं उस तरह से आप जो ले सकते हैं। कुछ लोगों को और डेली लेने की भी एडवाइस दी जाती है कि अगर उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, कुछ लोगों को वीक में 2 बार भी लेना होता है, वीक में 2 बार और 2 टाइम, या फिर कुछ लोग जो है वंस अ वीक भी लेते हैं।
तो डिपेंड करता है कि आपका स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म क्वालिटीज कितनी है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये मेडिकेशंस दी जाती हैं। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की हम स्टडी करें तो अगर कोई पर्सन उसको हाई डोज में यूज़ कर लेता है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, जैसे कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, स्टमक अपसेट होना, नौजिया मतलब कि आपको उल्टी जैसा होना, और फिर उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकती है अगर आप काफ़ी हाई डोज में उसको यूज़ कर लेते हैं, डिजीनेस मतलब कि नींद जैसा आना और सर दर्द जैसा भी आप फील कर सकते हैं, या फिर स्टमक अपसेट, हार्ट बर्न जैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर काफ़ी हाई डोज में लेते हैं तो आपकी भूख कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे सिम्टम्स, एनोरेक्सिया जिसको हम कहते हैं, हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना, और लीवर एंजाइम्स जो आपके इंक्रीज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर ये मेडिकेशन जो वो रिड्यूस करवा सकती है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आपको होगा कि चाहे इसोफेगस हो, स्टमक हो, या फिर इंटेस्टाइन्स का रीजन, और स्किन के ऊपर कुछ लोगों को रैसेज होते हैं उसकी एलर्जी के कारण। तो अगर आपको एलर्जी है तो ही ये रैसेज होगे, वरना एलर्जी नहीं होगी तो रैसेज नहीं होंगे। तब उसके कुछ वार्निंग्स देख लेते हैं, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें। अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किडनी फेल है, या फिर उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, चाहे इसोफेगस के अंदर, या फिर स्टमक के अंदर, या फिर डियोडिनल के अंदर अल्सर है, और पांचवें कि अगर आपको कोई एलर्जी है इसके अंदर यूज़ किए, किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो पेशेंट काउंसलिंग के दौरान ज़रूर से डिस्कस करें कि अगर आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, किडनी का प्रॉब्लम है, और ज़रूर से पेशेंट काउंसलिंग के दौरान ये जो है आपको बताना चाहिए। फिर अब उसके ड्रग इंटरेक्शंस देखते हैं, तो सबसे पहले देखें कि मैक Q10 प्लस आप कब यूज़ ना करें, या फिर उसके साथ कौन से मेडिसिन ना लें। तो एक एंटीकोएगुलेंट की जो वारफेरिन होता है, वारफेरिन के साथ कभी भी इसका कॉम्बिनेशन ना बने कि वारफेरिन प्लस ये जो है वो आपको कभी भी कंबाइन नहीं करना है। फिर अगर एंटी कैंसर ले रहे हैं तो एंटी कैंसर प्लस मैक Q10 प्लस अवॉइड करना है, या फिर ब्लड प्रेशर के आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है। जैसे कि आप कैप्टोप्रिल ले रहे हैं, एनालेप्रिल, लॉसार्टन, एमलोडिपिन, कोई भी आप ले रहे हैं मेडिकेशन ब्लड प्रेशर कम करने वाली, तो ये सब कुछ सावधानियाँ रखनी है कि जब आप उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक साल तक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में सीखे फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर 9016312020 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और डाउनलोड करें फार्मारॉक्स का ऐप। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।